एक तो कॉलेज से थके आ रहे हो, ऊपर से मेहमानों की आने की गुड न्यूज, और साथ में अम्मी के दिए हुए ढेर सारे मटर भी छीलो। कभी कभी तो आते ताया अबू, वरना हमेशा हम लोगों को ही उनके घर मेहमान बन के जाना पड़ता। वैसे कितना प्यार करते हैं ना आवाम से। वैसे प्यार तो कोई और भी करता है तुमसे, वो अलग बात है, मुँह से कुछ कहता नहीं है। नाजिर की तरफ इशारा है ना तुम्हारा? सच कहूं अनीशा, मुझे तो लगता है ताया अबू जल्द तुम्हारे लिए रिश्ता लाने वाले, और मैंने अम्मी और दादी को इस बारे में बात करते हुए भी सोचा। जानती हूँ मैं, नाजिर की शारजा में जॉब लगने का इम्कान होगा। अच्छा है, इस छोटे से मसाइल भरे घर से मेरी जान तो छूटेगी, जहाँ दादी अम्मा के रोज रोज लेक्चर सुनते रहो। अरे भाई, मैं बाजार से होकर आ गई और तुम्हारे अभी तक मटर नहीं छिले। तुम्हारे ताया अबू और ताई जान आने वाली हैं, जल्दी करो। जी अम्मी, बस दो मिनट। दो मिनट, जल्दी जल्दी करो। भाई अम्मा, देखिए अब तो हद हो गई है। हम अगले हफ्ते अपनी बेटी अलीशा के लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं बाकायदा तौर पे, बस। और मैं अब आपसे इनकार नहीं सुनूंगा। हाय हाय, मैंने कब इनकार किया है बेटा, जम जम आओ, तुम्हारी बेटी है। वैसे ताया जान, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है, आप आज ही रिश्ता दे देना। अगले हफ्ते मंगनी है, कोई छोटा सा फंक्शन कर लेंगे। क्यों ताई अम्मी, ये प्रोग्राम कैसा रहेगा? अरे बेटा, बुरी बात है, बड़ों की बात भी नहीं बोलते। नहीं, कभी कभी बच्चे भी पते की बात कर जाते हैं, क्यों खली? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और खबरदार, जो तुमने हमारी बेटी को डांटने की कोशिश की, वो बिल्कुल सही कह रही है, जो कुछ भी कह रही है। क्यों मां? वैसे इसकी बात मेरे दिल को लगी है, क्या ख्याल है तुम्हारा जरी? अम्मी जान, जैसे आप सब लोगों की मर्जी। लो भाई, मुबारक हो सबको। मुबारक हो। तो मिठाई लेके आओ, मुंह मीठा कराओ सबका। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्यारा जोड़ा है, मेरी अलीशा इसे पहनकर बिल्कुल शहजादी लगेगी। अरे अम्मी जान, इसकी कीमत भी शहजादियों वाली है। अब देखिए ना, खलीक भाई ने अलीशा के हाथ में इतने सारे पैसे थमा दिए, वो भी मंगनी के जोड़े के लिए। बेटा, उनकी तो अकलौती औलाद है, उनका अगर बस चले ना तो वो बादशाहों की तरह ना खजाने के मुंह खोल दे, पता है। वाह दादी, अजीब इत्तेफाक है, पहले शहजादी और शहजादे का जिक्र हुआ और अब आपने बादशाह की भी मिसाल दे दी। बड़ा शहाना अंदाज है मंगनी का। अरे कौन सा शहजादा और कौन सी शहजादी? भाई आपने तो अपने बेटे को बादशाह का लकब दे दिया, अब नाज़िर भाई और अलीशा के लिए हैरान हो रही है। अच्छा अच्छा। अलीशा बेटा, क्या परेशानी है, आराम से बैठ जाओ। कैसे आराम से बैठूं दादी, रिता ने कहा था वक्त पर पहुंच जाना, और इधर है कि देर पे देर हो रही है। ताया अबू से भी फोन पे बात हुई, उनके एंड टाइम पे दोस्त आ गए और उनको घर पे रुकना पड़ा, और इसका मतलब ताया अबू अभी तक घर से निकले ही नहीं है। भाई दादी, मैंने नहीं जाना। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई हल तो नहीं है। एक तो बेचारा इतनी दूर से तुम्हें छोड़ने के लिए आ रहा है,
और तुम ऊपर से परेशान हो रही हो। आपको अपनी पोतियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, सिर्फ अपने चहेते पोतों का ख्याल है। वैसे बेटा बड़े अफसोस की बात है, मैं तुम लोगों की मोहब्बत में ना अपने बेटे का घर छोड़कर यहाँ तुम लोगों के साथ रह रही हूँ, और तुम हो कि मुझे कह रही हो कि मुझे तुम लोगों से प्यार नहीं है। बड़े अफसोस की बात है बेटा, मैं नहीं बात कर रही तुमसे। अच्छा सॉरी दादी, अगर रेशम की तबीयत खराब ना होती तो मैं आपके चहेते पोते को कुछ ना कहती। अच्छा आराम से बैठो, परेशान नहीं हो, आ जाएगा। एक काम करती हूँ दादी, मैं जाके जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, आपके चहेते पोते को वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, तुम ऐसे करो तैयार हो जाओ है, और मुंह ठीक करो, खुश होके जाओ। ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे जूते? नहीं मिलेंगे जब तक 20,000 नहीं मिलेंगे। 20,000 रुपए? यार आज तो एक बात कंफर्म हो गई है, तुम बहुत जालिम लोगों में फंस गए। और एक और बात भी कंफर्म हो गई है बहनों और भाइयों, एक और बात भी कंफर्म हो गई है। बोले बोले बोले। जो खूबसूरत लोग होते हैं उनके जो दिल है ना वो पत्थर के होते हैं। चले इसी बहाने आपने हकीकत तो तस्लीम की कि हम खूबसूरत हैं। हकीकत तो हम कब के मान कर बैठे हैं, कोई तस्लीम तो करे। मेरे ख्वाबों में आने वाले शहजादे, काश तुम हकीकत बनकर मेरे सामने ना आए होते। मैं नाजिर के साथ शादी करके आम लड़कियों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारती थी, लेकिन अब एक कसक, एक खलिश हमेशा मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती रहेगी। वो तो आंखें थीं जो कह गईं सब कुछ, होंठ होते कब के मुकर चुके होते। जनाब आप चाहें हमें जितना मर्जी इग्नोर क्यों ना कर लें, आपकी ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी प्यारी प्यारी आंखें हम ही ढूंढ रही हैं, बार बार हमें ही देख रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हुई। इफ यू डोंट माइंड प्लीज एक बात कर सकता हूँ आपसे? जी। उस दिन जब आपको मैंने पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे जो आप ही की तलाश थी। कुदरत को शायद मेरे जज्बों की सच्चाई भा गई, और शायद इसीलिए आज हम दोनों दोबारा मिले, और शायद आखिरी बार मिला है। नहीं हरगिज नहीं, ये तो इब्तिदा है।
ये मेरा कार्ड है। अगर आपके दिल में भी वही है जो मेरे दिल में, तो कॉल जरूर कीजिएगा। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो आपको अपना नाम नहीं बताया। बस एक बार किसी ने आपको पुकारा था और मैंने हमेशा के लिए आपका नाम दिल में छुपा लिया। लगता है आपने डायलॉग्स में पीएचडी की ली है। नहीं, ये आपके प्यार का करिश्मा है। अलीशा जी, ये मेरे दिल की जुबान है। डायलॉग्स तो फिल्मों में होते हैं। मैंने तो बस अपने जज्बात को जुबान दी। क्या हुआ अलीशा जी, सब ठीक तो है ना? मुझे लगता है काफी बात हो गई है। अगर कोई आ गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाए। नहीं अलीशा, अभी तो हमने एक दूसरे के बारे में कुछ जाना ही नहीं। अच्छा, मैं आपको एक रेस्टोरेंट का नाम मैसेज कर रहा हूँ। कल 4 बजे आप मुझे वहां मिल रही हो। मुझे नहीं पता, बस प्लीज। लेकिन शायान। शायान? नाम तो वैसे मैंने भी अपना नहीं बताया था, फिर आपने कैसे पुकार लिया? मैंने भी वैसे ही पुकारा जैसे आपने मेरा नाम पुकारा। वालेकुम सलाम। जानती है मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा था। मगर मैं तो वक्त पर आई हूँ। जी जी, आप तो वक्त पर आई हैं, लेकिन मैं एक्साइटमेंट में वक्त से पहले ही आ गया था। सच, मुझे बहुत डर लग रहा है। असल में इससे पहले मैंने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया। अलीशा, बिना कदम उठाए तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारा मिलना बहुत जरूरी था। कल आपके शादी से जाने के बाद एक लम्हे को भी मेरा वहां पे दिल नहीं लगा। सच अलीशा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सिर्फ 2 मुलाकातों में आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। कभी कभी इंसान की जिंदगी में आने वाला एक लम्हा इतना ताकतवर होता है कि वो किसी भी इंसान को एकदम बदल कर रख देता है। अलीशा, आपकी मोहब्बत ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे जैसे मेरी जिंदगी यहीं ठहर गई है। आप ठीक कह रहे हैं शायद। मोहब्बत दिल में दाखिल होने के लिए इजाजत नहीं मांगती। इस बात का अंदाजा मुझे आपसे मिलने के बाद हुआ। अलीशा, बस यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारे से। अलीशा, मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहता हूँ।
अभी अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब मिली है और तरक्की के काफी चांसेस हैं। क्या ये सब कुछ काफी होगा ना आपके पेरेंट्स के लिए? शायद अभी इतनी दूर का मत सोचे। मेरे पेरेंट्स तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल ही नहीं बल्कि एक हद तक नामुमकिन है। मेरा यकीन करो, मैं आपकी अम्मी को मना लूंगा। शायान प्लीज, मुझे अपनी अम्मी को मनाना पड़ेगा। वो मेरी शादी मेरे ताया के बेटे से करवा रहे हैं और अगले हफ्ते मेरी मंगनी है उनसे। दादी ये देख, ये सूट मैंने अपनी दोस्त के भाई की शादी पे पहना। हाँ। और यही मैं अनीशा की मंगनी पे पहना। हाँ, बहुत प्यारा है। घर में और सैकड़ों काम है और तुम्हें अपने सूट की पड़ी है। बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है? देखो खलीक तुम्हें समझा कर गए हैं ना। ये बेटा, अनीशा नहीं अभी तक आई, कहाँ रह गई है? अम्मी जान, उसका फोन आया था, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। और रेशम, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है, कॉलेज जाना शुरू कर दो। सायान, ये मेरे घर में बड़ों की ख्वाहिश है और वैसे भी मुझे नाजर से कोई दिली लगाव नहीं। अब मेरी मंगनी अभी तक नहीं हुई है, मैं आज ही जाके अम्मी से बात करूंगी। इसका मतलब हम लोग एक ही कश्ती के सवार हैं। क्या मतलब? मतलब मेरी भाभी मेरा रिश्ता अपनी छोटी बहन से करवाना चाहती है। बल्कि अब तक तो वो मुझे ऐसा लगता है देवर के साथ साथ भिनोई भी महसूस करती है। तो मुझे अपनी भाभी को मनाना है जैसे आपको अपनी अम्मी को मनाना है। बीना, बीना कहाँ रह गई? भाई कहाँ हो? मैं आज अपने देवर के लिए कुछ खास अहतमाम कर रही थी, लेकिन वो है कि उसका कुछ पता पता ही नहीं है। वाह वाह, आज तो देवर जी के लिए बड़ा ही अहतमाम हो रहा है, खैरियत है? जी जनाब, आज मैंने अम्मी को कॉल करके साफ साफ बता दिया कि अगले संडे हम निमरा का रिश्ता लेकर आ रहे हैं शयान के लिए। शुक्र है वो मान गई। खैर, मानी भी तो वो काफी पहले से थी। क्या मतलब है आपका? इतनी मुश्किल से मनाया मैंने अम्मी को। आपको पता है निमरा के दो चार रिश्ते पहले ही आए हुए थे, लेकिन शुक्र उन्होंने मेरा मान रख लिया। ओहो, खफा क्यों होती हो? भाई मैं तो दिल से यही चाहता हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, मेरी और मेरे भाई की जिंदगी आसान हो जाएगी। देवरानी जिठानी की ये खिटपिट से जान भी छुटी रहेगी। देखिएगा निमरा के यहाँ आते ही कितनी रौनक हो जाएगी। मेरी बहन बहुत प्यार करने वाली लड़की है। अरे जानता हूँ बेगम साहिबा, वैसे ये शायान कहाँ पर रह गया? अमूमन इस वक्त तक तो आ ही जाता है। आप निमरा को घर आने दें, फिर देखें कैसे खूंटे से बांध के रखेगी इसे। वैसे फिलहाल एक कप चाय मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी, प्लीज। रेशम, बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, हालात का नहीं पता क्या? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो बेटा। वैसे आज दादी को तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। तभी तुम इनकी पोती के साथ साथ बहू भी बनने वाली हो। खास करने की जरूरत नहीं। और ये इतना बड़ा डब्बा मिठाई का कौन लेकर आया? नाजिर भाई को बहुत अच्छी शारजा में जॉब मिल गई है। ओ, अच्छा अच्छा, दूसरी खुशखबरी तो सुन लो। दूसरी खुशखबरी? पता है तुम्हारे ताया अबू क्या कह रहे थे? मंगनी की बजाय अब निकाह होगा। हेलो शायान। अलीशा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बस यूं समझ लो कि मोहब्बत बचाने का सवाल आ गया। शायान, मैं भी बहुत परेशान। ऐसा महसूस होता है कि हमारी ये मोहब्बत अधूरी ना रह जाए। प्लीज मुझे कल उसी टाइम उसी जगह मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल रेशम भी मेरे साथ हो, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं मिल लूं।
Because I know मिलना बहुत जरूरी है। सुनो, एनी की तबीयत बहुत खराब है, तो उसको देखने चले? नहीं बाबा, मेरी तो कोई हिम्मत नहीं है कहीं जाने की भी, और वैसे भी वो कौन सी इतनी खास दोस्त है तुम्हारी कि उसकी इयादत करने के लिए जाना जरूरी हो। अच्छा तो फिर एक काम कर लेते हैं, तुम यहाँ से कोई भी रिक्शा पकड़ के चले जाओ घर, मैं आ जाऊंगी एक घंटे तक बैठ के। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आ जाना, अब ऐसा ना हो कि वहाँ बैठी रह जाओ, घर में बहुत काम है। अच्छा ठीक है, ये रजिस्टर ले लीजिए। रिलैक्स अलीशा, क्या हुआ, आप सब ठीक तो है ना? पता है बाहर नाजर गुजर रहे थे, अगर वो मुझे देख लेते तो। अल्लाह का शुक्र है नहीं देखा, बच गए। अच्छा मैंने जूस ऑर्डर किया है, आपके लिए कुछ ऑर्डर करूं? नहीं, मेरी तो सारी भूख प्यास मिट गई। पता है शायान, अम्मी ने मेरी मंगनी के बजाय निकाह फाइनल कर दिया है। अलीशा ये क्या कह रही हो, ऐसा हरगिज मत होने देना। मैं बहुत बेबस हूँ शायद, कल ताया अबू आए थे घर में, सब कुछ फाइनल करके चले गए, अम्मी दादी सब बहुत खुश हैं, अब हम क्या करेंगे? ओह गॉड, ये सब क्यों हो रहा है? जानती हो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं जब घर गया तो मुझे मेरी भाभी ने बताया कि वो अपनी बहन के घर मेरा रिश्ता लेकर जा रही है। आप मेरा मसला सॉल्व करने के बजाय अपने मसले सुनाना शुरू हो गया मुझे। ठीक है, आप अपनी भाभी की बहन से शादी कर लें, मैं नाजिर से निकाह में आ जाती हूँ। ओके अलीशा रिलैक्स, मैं कुछ सोचता हूँ मैं कुछ। सिर्फ 4 दिनों, हम लोग 4 दिनों में क्या करेंगे? जब 4 मुलाकातों में हम एक दूसरे के इतना करीब आ सकते हैं कि बिछड़ने के बारे में सोचकर सांस लेना भी दुश्वार लग रहा है, तो फिर 4 दिनों में हमें कोई कैसे जुदा कर सकता है? अब हमें एक फैसला करना होगा। कैसा फैसला? या तो हम एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं, या फिर निकाह कर लें, और उसके अलावा कोई हल नहीं हमारे पास। ये क्या कह रहे हो सर? मेरी अम्मी मुझे जान से मार देंगी, मैं इतना बड़ा कदम हरगिज नहीं उठा सकती। तो ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं कि अब हम लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं और एक दूसरे का नाम भी नहीं लेंगे। नहीं शायान, ऐसा नहीं कहना। तो कैसे बोलूं? अलीशा मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, लेकिन हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक यही रास्ता है हमारे पास। प्लीज अलीशा, निकाह हमारे सामने एक ऐसा मजबूत जवाज होगा जिसके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। मेरा यकीन करो, भले वक्ती तौर पे शायद सब नाराज हो, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। भला खून भी कभी खून के बगैर रह सका है? आज अगर ये फैसला ना लिया
अलीशा हमारी बुजदिली हमें जुदा कर देगी। तसल्ली से आराम से सोचो और मुझे सोचकर तुम बताना। अलीशा आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। कोई जुदा नहीं कर सकेगा। अरे अम्मी जान, वो साथ का खाला को शादी में बुलाना ही है नहीं। पिछली दफा जब वो अपने घर आई थी ना, तो बहुत उल्टी सीधी बात करके गई थी आपसे। बेटा उस औरत को तो ना सिवाय एतराजात करने के और कुछ नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में आते ही हैं लोगों को तंग करने के लिए। अरे अलीशा तुम आ गई। बेटा एनी की तबीयत कैसी थी? बेहतर है। बेटा यहाँ तो आओ मेरे पास। बेटा बिस्मिल्लाह करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, देखो जरा। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। मैं कितना अजीब दौर आहे पर आकर खड़ी होकर, पता नहीं शायान से निकाह के बाद सब कुछ ऐसा ही रहेगा जैसे अभी है। दादी मुझे माफ कर देंगे क्या? क्या अम्मी शायान को दामाद मानकर इसे गले से लगा लेंगी? क्या मैं ताया अबू की मोहब्बत खो दूंगी? अबू के मरने के बाद कितना ख्याल रखा है उन्होंने सबका। और नाज़िर, उनके दिल पर क्या गुजरेगी? लेकिन मैं शायान को खोकर भी खुश नहीं रह सकूं। वो ठीक कह रहे, खून कभी खून से जुदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग जुदा हो गए तो फिर कभी भी नहीं मिल पाएंगे। सायान, अलीशा प्लीज मुझसे ऐसी कोई बात ना करना जिससे मेरा दिल टूट जाए। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं तैयार हूँ। अलीशा मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। कल मैं अपने दोस्त के घर पे निकाह का अरेंजमेंट करूंगा, तुम्हें एड्रेस सब कुछ समझा दूंगा, तुम पहुंच जाना। अल्लाह हाफिज। अलीशा परसों तुम्हारा निकाह है, अम्मी के इतने कहने के बावजूद भी तुमने यूनिवर्सिटी से छुट्टी नहीं ली। मैंने तुम्हें बताया है ना कि आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैं मिस नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम्हें तो बहाना चाहिए छुट्टी करने का। मैं अम्मी की ताबेदार बेटी, इससे छुट्टी नहीं कर सकती। अब देखो ना कितने काम पड़े, मुझे ही हेल्प करवानी होगी। रिशम प्लीज ही निकाह रुका दो, मैं नाजिर से शादी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो? परसों तुम्हारा निकाह है, क्यों नहीं करनी नाजिर भाई से शादी? यार मेरी भी अपनी कोई पसंद ना पसंद है, मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ, अम्मी और दादी की पसंद से नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये रिश्ता भी तुम्हारी मर्जी से ही हुआ था ना।
तो एकदम से अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? कैसी हो तुम? तुम्हें अपनी बहन के जज्बात और एहसासात का जरा भी ख्याल नहीं है? ज्यादा बकवास नहीं करो। जब ताया अबू रिश्ता लेकर आए थे तो बहुत शर्मा रही थी नाजिम भाई के सामने। वो जज्बात और एहसासात मैंने तुम्हारी आंखों में देखे थे। वो एहसास और जज्बात नहीं थे, वो वक्त के साथ समझौता था। अलीशा, खबरदार जो तुमने कोई उल्टी सीधी बात की। पहले भी समझौता किया था, अब भी समझौता करो। तुमसे तो कोई बात करना भी फजूल है। कहाँ जा रही हो बेटा? यूनिवर्सिटी। क्यों, आज भी? क्या कुछ जरूरी काम है? अपने कमरे में जाओ वापस। नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, 2 बजे तक वापस आ जाऊंगी मैं दादी। अनिशा, मैंने तुम्हें मना किया यूनिवर्सिटी जाने से, मेरी बात नहीं मानोगी? मम्मी, मैं 2 बजे तक वापस आ जाऊंगी, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैं मिस नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आ जाना, बहुत सारे काम पड़े मुझे, तुम्हारे से बाजार जाना है। जी अम्मी, अल्लाह हाफिज़। क्यों इजाजत दी तुमने? अम्मी जान, थोड़े दिनों की तो मेहमान है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हो सकता है जरूरी लेक्चर हो। पहले इजाजत देते हैं, फिर परेशान होती है। पता नहीं अलीशा निकाह के लिए तैयार होगी या नहीं, कुछ लोग जिंदगी भर साथ रहकर भी साथ नहीं होते, और कुछ महज चंद मुलाकातों में ही दिल के इतने करीब हो जाते हैं कि उनके बिना सांस लेना भी दुश्वार लगता है। आप ठीक तो हैं? आपकी गलती नहीं है, मैं अपनी सोचों में आपके सामने आ गया, आई एम सो सॉरी। आप कोई बात नहीं, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, बचत होगी अल्लाह का शुक्र, बस दुआ करें दिल पर कोई चोट ना आए। तो ये बात है भाई, मोटरसाइकिल जरा देख कर चलाया करें, जिंदगी रहेगी तभी तो किसी को पाएंगे ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एनीवेज थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैसे मैं दुआ करूंगा कि आपके दिल की मुराद जल्दी पूरी हो जाए। कोई तो मिला एनकरेज करने वाला। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यू टू, टेक केयर। शयान जी, सुनो, आज जरा जल्दी घर आ जाना। क्यों भाई? परसों हमें रिश्ता लेके जाना है, तो कुछ शॉपिंग भी तो करनी है ना। भाभी आप हथेली पर सरसों जमा रही, आज का ये प्लान कैंसिल कर दें प्लीज। अरे वाह, क्यों कैंसिल कर दूं, वहाँ सारी तैयारियां मुकम्मल है। भाभी रिश्ता ही तो लेकर जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं इसमें? मुझसे इस वक्त मजाक करने की जरूरत नहीं है, वहाँ सारी तैयारियां मुकम्मल है, शॉपिंग भी करनी है, और मैं कामरान के साथ जा रही हूँ शाम में। हेलो, हाँ मौलाना साहब आ गए, मैं आ रहा अलीशा,
सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई हो। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने खानदान के बगैर अपनी जिंदगी का आगाज करूंगी। लेकिन अलीशा, अगर हम ये कदम ना उठाते तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को खो देते। और मेरा यकीन करो अलीशा, तुम्हारी अम्मी तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। और इंशाल्लाह रुखसती तुम्हारे बड़ों की दुआओं के साए में होगी। इंशाल्लाह, अगर शायद मेरा दिल बैठा जाए मैं कैसे बताऊंगी अम्मी और दादी को। बहुत ही मुश्किल मरहला है मेरे लिए। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, लेकिन तुम्हें उन्हें आज ही बताना होगा। मैं कल खुद आऊंगा और उनसे बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। शायान, शायद 2 बज गए होंगे, अम्मी वेट कर रही होंगी, मुझे जाना चाहिए। अलीशा, 5 मिनट्स के लिए रुक जाओ, मैं अपनी दुल्हन को दिल भर कर देख तो लूं। भाड़ में गई ऐसी पढ़ाई, तुमने उसे जाने क्यों दिया? वक्त देख रही हो क्या हो रहा है? बज गए तुम्हारे 2। सॉरी अम्मी। तुम्हारी नजर में पढ़ाई के अलावा और किसी बात की अहमियत है कि नहीं? पूछ रही हूँ कुछ तुमसे। इसकी शक्ल देखिए, कैसा पीला पड़ गया इसका रंग। शादी से पहले तो बच्चियां अपना रंग रूप संवारती हैं, बनाव सिंगार करती हैं, लेकिन यहाँ यहाँ किसी बात की अहमियत ही नहीं है। अलीशा, शुक्र है तुम आ गई। तुम्हें पता है सुबह से पता नहीं अजीब अजीब से वहम आ रहे थे मेरे दिल में। कैसे वहम? जिस तरीके से तुम सुबह बातें कर रही थी ना, मैं बस परेशान हो गई थी। रेशम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे चेहरे का रंग इतना जर्द क्यों हो रहा है? रेशम, मुझे प्लीज तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो। क्या हुआ है? प्लीज अलीशा, कोई ऐसी बात मत कह जिसे सुनकर हम बेमौत मर जाएं। कुछ ऐसी बात? क्या हुआ? सुन, मैंने शायान से निकाह कर लिया। सुन, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। पागल हो गई हो क्या? जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? जान से मार। अम्मा नहीं, छोड़ो मुझे, चलो यहाँ से। तुम्हारी इज्जत तार तार कर दी। मैं कह रही निकलो मेरे घर से, निकलो यहाँ से। सरी, क्या बात है? होश में हूँ, पागल हो गई हूँ? हाँ अम्मी, मैं पागल हो गई अम्मी जान में। मैं इसको जान से मार दूंगी। क्या किया इसने? इसने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या हुआ है? तार तार कर दिया हमारी इज्जत को। क्या कह रही हो? मैं खलीफ भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी अम्मी जान? क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? मैं इसे जान से मार दूंगी। मार दूंगी मैं। मेरी अलीशा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। आपकी अलीशा? आपकी अलीशा ने निकाह कर लिया। इसने हम सबसे चुपके शादी कर ली अम्मी जान। दादी प्लीज मेरे पास सुने। शायद अच्छा नहीं गया दादी, प्लीज।
हसन है अम्मी। नहीं हूं मैं तुम्हारी अम्मी, मर गई मैं तुम्हारे लिए। पता होता तो पैदा होती का गला घोट देती। बहुत बुरा किया मेरे साथ। दादी प्लीज एक दफा सफाई का मौका दे दे। शायद ऐसा लड़का नहीं। बकवास मत करो। उस खबीस मर्दूत का नाम भी मेरे सामने मत लेना। उस ना हंजार ने तुम्हारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि ना तुम्हें बेवा मां नजर आ रही है ना बूढ़ी दादी। आप ठीक तो है ना दादू? इससे कोई दफा हो जाए। इस लड़की ने यह भी नहीं सोचा कि हम खानदान वालों को क्या जवाब देंगे। परसों उसका निकाह है, लोग आएंगे, हम क्या जवाब देंगे? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो अलीशा? कुछ तो सोचा होता हमारे बारे में। हमारी इज्जत, हमारी खुशियां पामाल करके एक अजनबी शख्स को तुमने बख्श दी। हम क्या मुंह दिखाएंगे ताया अब्बू को? कुछ तो सोचा होता तुमने। फोन करो अपने शौहर को अभी, और इसी वक्त तुम्हें यहां से आगे ले जाए। लाश को ज्यादा देर घर में रखना अच्छा नहीं होता। अम्मी प्लीज, अम्मी मुझे इस घर से नहीं जाना कहीं बेबी प्लीज। नहीं हूं मैं तुम्हारी अम्मी, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मुझसे, ना इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता है। दादी प्लीज, दादी दादी प्लीज, अम्मी को समझाए मैंने घर से नहीं जाना, प्लीज मुझे घर से नहीं निकाले। मुझे तुमसे नफरत हो गई है, नफरत, ऐसी नफरत कि तुम जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। नहीं, नहीं, मेरे बच्चे को जब पता चलेगा तो बताओ उसका क्या हाल होगा? कभी सोचा है? उठो, मैंने तुमसे कहा ना उस शख्स को फोन करो, लेके जाए तुम्हें यहाँ से, और अगर नहीं तो तुम कहीं भी चली जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हमें प्लीज, हमें मर गई हो तुम मेरे लिए। हमें प्लीज, हमें ऐसा नहीं कर। चुप हो जाओ तुम, मत बोलो इस मामले में वरना तुम्हें भी जान से मार दूंगी। नहीं अम्मी प्लीज, अम्मी जाओ यहाँ से, जाओ जाके इसका सामान और इसकी चादर लेकर आओ। जाओ प्लीज, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मी प्लीज ऐसा नहीं करें, देखिए हमें आगे नहीं आनी है। अम्मी नहीं, निकलो यहाँ से दो इसे। मुझे नहीं जाना अम्मी प्लीज। निकलो मेरे घर से। अम्मी प्लीज रोज़ आओ। निकलो मेरे घर से। ऐसी लड़कियों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। निकलो।
हमेशा के लिए मर चुकी है हमारे लिए, और आइंदा इस घर में किसी की जबान पे भी उसका नाम आया तो मैं हमेशा के लिए उससे भी ताल्लुक तोड़ लूंगा। उस खबीस मर्दूत का नाम भी ना लो इस घर में। उसने वो हरकत की है कि हमारी इज्जत खाक में मिला के रख दी, हमें पूरे खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, अपनी बेवा माँ का भी नहीं ख्याल किया और इस मासूम बहन का भी नहीं, जिसकी आने वाली जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा कुछ नहीं सोचा उसने। अब्बा, अगर उसने अपनी पसंद से निकाह कर ही लिया तो परसों होने वाली तकरीब में हम पूरे खानदान के सामने उसको रुखसत कर देते। बदनामी और रसवाई का डर तो नहीं खा रहा होता हम सब? नहीं, हरगिज नहीं। जिसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, इतना बड़ा फैसला मुझे बताए बगैर कर लिया, उसका जनाजा भी इस घर से उठाऊंगी नहीं। नासिर बेटा, उसने जिस बेदर्दी से तुम्हारा दिल तोड़ा, तो कभी भी खुश नहीं रह सकेगी। तुम्हारी बद्दुआ लगेगी उसे, देख लेना। भैया, आज तो बारिश के साथ साथ तुम्हारे खाने ने भी कमाल कर दिया। आपको पता है आज मैंने खाना श्रेयान की पसंद का बनाया था, लेकिन उस मोहतरम का तो कुछ पता ही नहीं होता इतना लेट आता है। लगता है बहन के देवरानी बनने की खुशी खाने में शामिल हो गई थी। लेकिन अब तक आया नहीं, वैसे बारिश तो रुक गई है, आ जाना चाहिए। अरे तुम कहाँ रह गए थे, कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें। अलीशा, भाभी अलीशा है मेरी बीवी। कामरान, इन दोनों से कहें कि ये अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। मैं इस लड़की को एक मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मिनट रुको तो सही, मुझे पता तो चले आखिर मामला क्या है। आपका भाई इस लड़की को भगा के लाए, मैं यहाँ इसका रिश्ता ले जाने के लिए बैठी हूँ और ये शादी करके आ गया। कामरान भाई प्लीज प्लीज, आप लोग हमें गलत मत समझे, ये सब बेहद अचानक और इमरजेंसी में हुआ। घर से भागी हुई लड़कियों के लक्षण ये नहीं होते। इसको बोले इसको लेके अभी चला जाए, नहीं तो मैं धक्के देके निकालूंगी इसे। हाँ बताते क्यों नहीं है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ शायान, हमारा निकाह हुआ है, ये मुझे इस तरह से जलील ना करे। अलीशा कहीं नहीं जाएगी, चलो अलीशा। शायन, गुस्से और जज्बात में किए गए फैसले अमूमन पछतावा ही देते हैं। तुमने जो दुख मुझे दिया है, शौक मुझे दिया है, मैं तो उसे बर्दाश्त कर जाऊंगा, मगर एक गिला तुमसे हमेशा रहेगा। कम से कम उसे एक मशवरा ही कर लेता यार, ये सिचुएशन तो ना खड़ी होती ना कुछ तो मैं संभाल ही लेता। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आपको बताया ना, सिर्फ एक दिन पहले ही उसका निकाह तय था जिसके रुकने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। बस फिर घबराकर मैंने, अरे यार कम से कम अपनी घबराहट ही शेयर कर लेता मुझसे, उस मासूम को ये सब कुछ तो ना सहना पड़ता। और तू अपनी भाभी को तो जानता है कि मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा उसे समझाना। सॉरी भाई, really sorry, गलती हो गई यार। देख, जो होना था अब हो चुका है, लेकिन अब अलीशा को समझाना कि बहुत ही मेहनत से इस घर में
भाभी के दिल में जगह बना है, वो इस घर की बहू है। घबराने, मैं तेरे साथ। यहां साने हैं तो इस तरह अचानक ही होते हैं भाई। वो जरीन का बहनों ही नहीं था बल्कि उसे सगे भाइयों से बढ़ के था। नहीं, कराची तो नहीं आया, बस इस दफा आने का प्रोग्राम बना रहा था तो यह हादसा हो गया। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, मुझे बहुत से लोगों को इत्तला करनी है, उन्हें बता दूं कि कैंसिल हो गया निकाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़। याद है खलीक, आप कुछ दिन पहले इस एमरजेंसी निकाह की खुशी खुशी सबको खबर दे रहे थे और अब झूठ बोल बोल के लोगों को निकाह के कैंसिल होने की इत्तला कर रहा हूं। शाइना, मुझे समझ में नहीं आता कि वो बच्ची जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया, इतनी मासूम सी बच्ची इस किस्म की हरकत भी कर सकती। यकीन करो, मेरे सामने आ जाना तो कसम खुदा की मैं। खलीक, आप ये देखें कि हमारा बच्चा कितना टूट गया, अभी हमें छोड़ के गया और कह रहा था कि दोस्त की तरफ जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि वो दोस्त की तरफ नहीं गया होगा। क्या करे, अकेले में बैठ के गम गलत कर रहा होगा बेचारा, और क्या। अच्छा, मैं कल सुबह इन सबको जाके वहां से ले आऊंगा ताकि ये सब अपनी पैकिंग कंप्लीट कर लें। ये ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हम लोगों का वहां पे रहना मुनासिब नहीं है। ठीक कह रही हो। अच्छा देखो, और कितने लोग रह गए हैं जिन्हें इत्तला देनी है झूठी। पूरी दुनिया में किसी दुल्हा और दुल्हन ने ऐसी सुहागरात नहीं मनाई होगी। शायन, आपने तो कहा था कि सबकी नाराजगी भक्ति होगी, मगर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुझसे मेरे सारे अपने कहीं खो गए। नहीं लीशा, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मायूसी जिंदगी में आने वाली खुशियों की कातिल होती है। यकीन रखो और मेरा यकीन करो, इंशाल्लाह मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली लुटाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अलीशा, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं सोचती हूँ शायान कि सारी सजा की बाकी मैं होता हूँ। मैंने अपनी माँ को अचानक जो सदमा दिया है और दुख दिया है, उसकी माफी मुझे कभी नहीं मिल सकती। ताया अबू ने हमारे अबू के बाद हमें कितना प्यार से रखा, कितना ख्याल किया, लेकिन मैंने उनको कितना बड़ा दुख दे दिया। और नाजिर। हाँ हाँ बोलो, चुप क्यों हो गई? मुझे डर लगता है कहीं उसकी बद्दुआ ना लग जाए। किसी के एहसासात और जज्बात के साथ खेलना अच्छा नहीं होता। सही कह रही हो, लेकिन अलीशा तुम अगर इसी तरह गिल्टी फील करती रही ना, मेरा तो बेड़ा गरक हो जाएगा। तुम्हारा शौहर हूं मैं, दो बोल प्यार की बोल दो मुझे, बोलो ना। बुरा ख्वाब देखा है आपने? ख्वाब तो बेटा नींद में आते हैं, इतनी भयानक हकीकत में नींद कैसे आएगी? क्या कमी थी मेरी तरबियत में, क्या कमी थी? असलम के इंतकाल के बाद अगर मैंने कुछ कमाया है तो वो बस इज्जत है। संभाल संभाल के मैं यहां तक आई हूं। मैंने अपनी सास से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, सारे ससुराल वालों की मैंने इज्जत की है। मेरी शख्सियत की वजह से खलीक भाई ने नाजिर से रिश्ता मांगा,
लीशा, लीशा मुझे सारी जिंदगी के लिए मेरी इज्जत कुर्बान की चली गई। मैं जानती हूँ, जानती हूँ आपने हर एक कुर्बानी दी है। मुझे याद है वो मेहनत, दिन रात एक कर दिया। लेकिन आप मुझे पता है कैसे रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी, 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 डैडी, अम्मी, अम्मी, श्रेयान, सुबह के 10 बज रहे हैं, तुम्हारे भाई तो काम पर भी जा चुके हैं। सॉरी भाभी, वो आंख ही नहीं खुली। और हाँ, अपनी घर से भागी हुई दुल्हन को ये बता देना कि ये चोंचले ना दिखाए। जो लड़कियां इज्जत से ब्याह कर आती है ना, उन पर ये चोंचले सूट करते हैं। भाभी प्लीज, आप जिसके बारे में बात कर रही है ना, बीवी है वो मेरी। बीवी है? सुबह से मोहल्ले की औरतों को जवाब दे दे के थक गई हूँ मैं। जरा जाके पूछो तो, किस तरह से नाम ले रही है तुम्हारी बीवी का। भाभी, अगर आपके तंज के तीर बच गए हो ना अब भी, तो उनको अपने पास संभाल के रखें और अभी हमें बख्श दें प्लीज। प्लीज भाभी, जस्ट लीव अस अलोन। तो ये तीर मैं इसके दिल में उतार दूं। चाची को शदीद हार्ट अटैक हुआ है। बहुत बुरा किया अलीशा तुमने, बहुत बुरा किया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? मेरे भी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि बस दुआ करें हम लोग। अलीशा प्लीज, भाभी की बातों का माइंड मत करना, सिर्फ उनका रिएक्शन है जो हमने शौक उनको दिया है। अब देखो ना, तुम्हारी अम्मी का भी कितना सख्त रिएक्शन था। मेरी अम्मी को अपनी भाभी से कंपेयर मत करें, मैंने उनको बहुत दुख पहुंचा है, पता नहीं वो लोगों को कैसे फेस कर रही है। मेरी अम्मी का कुल असासा सिर्फ मैं और रेशम थे। सच है, मेरी वजह से अम्मी पे बहुत जुल्म हो गया। और ये जुल्म मैंने करवाया ना। मैं वादा करता हूँ लीशा, तुम्हारी आंखों में आंसुओं की जगह खुशियों की चमक होगी। मुझे तुम्हारी भाभी की बातें बहुत हर्ट कर रही हैं। I'm sorry. I'm really sorry. अलीशा, निकाह के बाद हमने एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजारा। थक गया हूँ यार मैं, थक गया हूँ। नई नई शादी का खुमार क्या होता है मुझे पता ही नहीं चला। Anyway, अलीशा, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं ना, उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊँगा। जिंदगी एक बार मिलती है, इसको इंजॉय करते हैं ना। आपका आइडिया बहुत अच्छा है शायद, मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि इस तकलीफ का माहौल से कुछ देर के लिए ऐसे मगर कहीं दूर चले जाए। तो ठीक है, डन, चलते हैं। वैसे एक बात बताऊं, ये कल वाले मेले कपड़ों में भी ना बहुत प्यारी लग रही, बहुत। चलें? चलें। Thank you.
रेशम प्लीज फोन उठा, तुम भी अपनी बहन को अकेला छोड़ दोगे? मैंने सही नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया अपने घर वालों के साथ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? I'm sorry, she's no more. अलीशा, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं शायान, मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की मगर घर वालों में से किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा। अलीशा तुम समझ नहीं रही, खुद को वक्त दो, उनको वक्त दो, अभी एक ही तो दिन हुआ, वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है शायद, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह ना करे। बीना, जी भाई, अलीशा को नाश्ते के लिए बुला कर लाओ, शायान स्पेशली रिक्वेस्ट करके गया है। हरगिज नहीं, और आइंदा मुझसे आपने ये बात नहीं करनी। हद कर रही हो तुम, भाई उससे हमारा एक रिश्ता है और अब तुम्हें रिश्ता कबूल करना ही होगा, वो शायान की बीवी है। और हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पीछे से किसी भी किस्म का कोई मसला क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं उसे खुद बुला कर लाता हूँ। अलीशा जी, आओ नाश्ता कर लो। नहीं कामरान भाई, भूख नहीं है मुझे। देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बीना की बातों से तुम्हें तकलीफ पहुँची होगी, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। थैंक यू कामरान भाई, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा हो ना, चलो नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। अरे वाह, मैं कामरान को दरवाजे तक क्या छोड़ने गई, तुम समझी मर गई? मेरे घर का सारा इंतजाम तुम अपने हाथों में लेने लगी? नहीं वो भाभी, मैंने सोचा मैं आपकी हेल्प करवा दूं। मेरी हेल्प करवा दूं? तुम जैसे घर से भागी हुई लड़कियों के शातिर पर मैं खूब समझती हूँ। आपको जरा सा भी खुदा का खौफ नहीं? मैं जब से आई हूँ आप मेरी किरदार कशी किए जा रहे। अच्छा तो आपका किरदार भी है? आपसे तो अच्छा है भाभी, शायान ने आपकी बहन से अगर शादी नहीं की तो उसका बदला खूब बता रही। तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी, वरना तुम जैसी भागी हुई लड़कियां कोई अपने घर में नहीं रखता। तुम्हारे तो घर वालों ने भी तुम्हें धक्के देके निकाला है ना। और तुम्हें पता है हमारा सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है तुम पर, इससे तो बेहतर है कि उन्हें सच्चाई बताई जाए कि तुम घर से भाग कर आई हो। और पता है क्या, मुझे लगता है कि तुम किसी कोठे से भाग के आई हो। अपनी जबान को लगाम दे, कोठे में से हम दोनों में से कौन आया है ये पूरा मोहल्ला जानता है। और अल्लाह का शुक्र है अभी मेरा मैका जिंदा है, मैं अभी इसी वक्त आप लोग का ये घर छोड़कर जा रही हूँ। लानत भेजती हूँ आप सब पे। शौक से जाओ और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर इस घर में मत आना। और एक बात और सुन लो, अब तुम देखना मेरी बहन किस तरह शान और शौकत से इस घर में आएगी। अगर आपकी बहन की जबान और ख्याल आपकी तरह छछोरे हैं ना, तो इंशाल्लाह वो इस घर में तो क्या किसी घर में भी सुख नहीं पा सकती।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी आपको पता है कि ये लोग कहाँ गए हैं? जी हाँ, वो अलीशा की अम्मी का इंतकाल हो गया। मुझे शायान को फोन करके सारी सिचुएशन बता देनी चाहिए। ओ मेरे खुदा, फोन तो मैं घर पे ही भूल गई। अल्लाह अल्लाह समझेगा आपको बिना भागे। मैं अम्मी के पैरों से लिपट जाऊंगी, उन्हें रो रो कर बताऊंगी कि उन लोगों के बगैर मुझ पर क्या गुजर रही है। दादी का दिल जरूर पिघल जाएगा, मुझे पता है। वो अम्मी से मेरी सिफारिश करेंगी। सेकेंड आंटी, मैं रेशम की दोस्त हूँ, ये लोग कहाँ है? बेटा रेशम की अम्मी का इंतकाल हो गया, सब रहना ताया के घर। जा सकती है लीशा? शायान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ इतनी बदतमीजी करेगी। उसने तो मेरी मासूम बहन तक को नहीं छोड़ा। भाभी प्लीज, इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ। प्लीज मुझे बता दें लीशा कहाँ गई। तुम्हारी और कामरान की वजह से मैंने पहले ही अपने घर वालों के सामने इतनी बहुत बेइज्जती उठाई है। तुम्हारी बीवी मेरी बहन को बदुआएं देके गई है कि उसका घर कभी ना बसे। भाभी आई एम रियली सॉरी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो भी उसे निम्ला को बीच में नहीं लाना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, इस वक्त मैं एक इमरजेंसी में हूँ भाभी, मुझे प्लीज बता दें। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? अलीशा की अम्मी की डेथ हो गई है। पता नहीं अलीशा कहाँ होगी, पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं वो अपने घर तो नहीं चली गई? हाँ शायद वो जाते हुए यही कहकर गई है। खबरदार, कोई इससे ना मिले। किससे मिलना चाहती हो तुम? उस माँ से जिसे तुमने खुद मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा अपनी अम्मी को। वो कैसे चली गई? मरना तो मुझे चाहिएगा। अब प्लीज आप अभी इसी वक्त मुझे मेरा गला दबा के मार दे। पागल मत बनो। दादी 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 प्लीज मुझे माफ कर दे दादी। जब तक मैं थी वो बिल्कुल ठीक थी, क्या हो गया अम्मी को? मेरी वजह से मरी है अम्मी। अम्मा इसे कहीं यहाँ से चली जाए, वरना मैं वाकई इसे कत्ल कर दूंगा। दादी दादी बताएं, मेरी वजह से मर गई? मेरी वजह से अम्मी मर गई। बीना देखो, सच सच बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो घर छोड़कर चली गई? मेरा ऑफिस जाने से पहले तो सब कुछ ठीक था। कामरान, मैंने आपको बताया है ना कि पहले वो बीना को बदुआएं देती रही, उसके बाद मुझसे बदतमीजी की और फिर कसम खाकर चली गई कि मैं दोबारा इस घर में नहीं आऊंगी। देखो बीना, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं दो दिन से तुम्हारी जबान देख रहा हूँ। ऐसा तो कोई पागल मानने को भी तैयार नहीं होगा कि वो तुमसे बदतमीजी करती रही और तुम मिस्कीन और भोली बनी बैठकर उसकी बातें सुनती रही। अच्छा,
तो वो जादूगरनी आपके ऊपर भी जादू करके चली गई। आप भूल गए? आप मेरी मोहब्बत को भूल गए ना उसके लिए? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, जितना हक मेरा और तुम्हारा इस घर पर है ना, उतना ही हक शायान और उसकी बीवी का भी है। और तुम्हारे मुंह से आइंदा मैं कोई उल्टी बात ना सुनूं। जो काम तुम शायान से करवाना चाह रही हो ना, वो तीन अल्फाज बोलने में मुझे देर नहीं लगेगी। और अब जाओ अपने कमरे में। कामरान भाई, उसे यकीनन अपनी अम्मी के बारे में पता चल गया होगा। पता नहीं किस हाल में होगी वो। हमें किसी तरह उसके ताया के घर का एड्रेस निकलवाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बस करो अलीशा, डॉक्टर देखेंगे तो हम पे बहुत गुस्सा करेंगे। वो अभी कहकर गए कि तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं लेना। बेटा, पूरे 24 घंटे के बाद तुम्हें होश आया, अब मुझ में मजीद दुख सहने की सकत नहीं है बेटा। मैं क्या करूं दादी, अम्मी मेरी वजह से चली गई, मुझे उनको गले लगा के रोना है। लेटी रहो बेटा, लेटी रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। डॉक्टर कह रहे हैं तुम मौत के मुंह से वापस आई हो। ताया को प्लीज मुझे माफ कर, पिछले 24 घंटे में तुमने सबको हिला के रख दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, तुम वापस आ गई। अब मैं उस कमीने को निपटूंगा जिसने सबका ये हाल कर दिया है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, क्या बात है? ये नोट आपका गिर गया है जमीन पे। नहीं नहीं, मेरा नहीं गिरा। क्या अंकल आप मुझे 5 मिनट्स दे सकते हैं? मैंने आपसे बात करनी है। कैसी हो अलीशा? मैं ठीक हूँ। मैं कल शाम को शारजा जा रहा हूँ, तुम फिक्र ना करना, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ सब होंगे। वैसे अगर तुम कहो तो तुम्हारे शोहर को तुम्हारी बीमारी की इत्तला दे दूँ। नहीं ना जी, मैं अभी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहती। देखो अलीशा, जरूरी है कि तुम्हारे शोहर को तुम्हारी बीमारी के बारे में इन्फॉर्म किया जाए, वो बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। नाजिर, तुम अपना मशवरा अपने पास रखो, हम में से कोई भी उस खबीस आदमी की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मेरी बहू मुझसे जुदा हो गई, नफरत है मुझे उस आदमी से। नफरत तो मुझे करनी चाहिए उस शख्स से, लेकिन वो अलीशा की खुशी है, और भला अलीशा की खुशी से मैं नफरत कैसे कर सकता हूँ। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कौन बीमार है तुम्हारा? अंकल, मैं अपने दोस्त को मिलने आया था, लेकिन मैंने जब आपको देखा तो मेरा दिल थम सा गया। अरे क्यों बेटा, ऐसा क्या देख लिया तुमने मुझ में? आपको देख के मुझे अपने अब्बू की याद आ गई, हूबहू आपकी तरह के थे वो। और सच कहूँ तो अंकल, ये पैसों वाला भी सिर्फ ड्रामा किया आपसे बात करने के लिए। तुम मेरे बेटे नाजिर के हम उम्र हो, तुमने वैसे ही बात कर लेनी थी, ड्रामा करने की क्या जरूरत थी बेटा। सर ये मेरा कार्ड है, यहां मैं जॉब करता हूं, मेरा नंबर भी है। अरे तुम ये जिस दफ्तर में काम कर रहे हो, यहां तो मैं जॉब करके रिटायर भी हो चुका हूं। ये तो बहुत बहुत बड़ा इत्तेफाक है। अब्बा,
आप यहाँ खड़े हैं और मैं आपको आपको ढूंढने जा रहा था। बेटा मैं बस बाहर निकला तो शायान से मुलाकात होगी। ये मेरा बेटा है नाज़िर, इसी का तस्कर कर रहा था। आई सी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं आपसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। जी मुझे भी लग रहा है हमारी कहीं मुलाकात हो चुकी है। शायान में तो बड़े अजीब इत्तेफाकात हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह की तरफ से हमें तुमसे मिलवाया गया है। अच्छा बाब, मैं आते हुए डॉक्टर से मिलता हुआ आया था, वो कह रहे हैं कल अलीशा को घर लेके जा सकते हो आप। बाबा एक आध दिन में मेरे ऑफिस चक्कर लगाए ना, साथ चाय पीते हैं, बातें शाते करते हैं। हाँ हाँ बेटा जरूर आऊंगा। फिलहाल तो अपने खानदान पे जो एक उस्ताद आ पड़ी है उससे निपटने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं किसी काम आ सकता हूँ आपके? शुक्रिया बेटा, बस मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला किसी तरह हमें इस मुश्किल घड़ी से निकाल दे। दुआ करो इंशाल्लाह। ठीक कह रही हो लीशा, अम्मी के जाने के बाद सबके होते हुए भी मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। अपना घर छोड़ के ताया अपू के घर आने असियत सा लगता था। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती थी, मेरा दिल सहमा सहमा सा रहता था। लेकिन तुम जब से आई हो ना तो दिल में एक अजीब सा तकवियत का एहसास होने लगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना कभी। मेरी बहन मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आ गया तो ताया अपू मुझे तुमसे कभी नहीं मिलने देंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। मैं चाहता तो अलीशा का हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल से सीधा घर ले आता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। शायद देखो अब तुम जो भी कदम उठाना बहुत सोच समझ कर उठाना। बहुत कुछ सह कर गई है यहां से, बहुत ताने सुने उसने। देखो अब उसके घर वालों की मर्जी, उनकी खुशी के साथ उसे रुखसत करके यहां पे लेके आना। अरे आप लोग साफ साफ मेरा नाम क्यों नहीं लेते? हाँ मुझे नहीं बर्दाश्त वो लड़की इस घर में। भाभी प्लीज, जो लड़की अपने घर से भागकर आई हो ना उस लड़की को मैं यहाँ नहीं रहने। भाभी प्लीज, अब मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा। देखा आपने कितना बदतमीज लड़का है ये। हेलो हेलो शायान। अलीशा तुम कहाँ खो गई थी? जानती हो मैं कितना बेचैन कितना बेकरार रहा हूँ तुम्हारे बगैर। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा बताओ। बोलो, अपना मोबाइल भी यहाँ छोड़ गई थी, मैं कॉल भी नहीं कर सकता था तुम्हें। शायान मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। कसम से अगर मुझे पता होता कि मेरी अम्मी इस बात का इतना गहरा सदमा देंगी तो मैं निकाह तो दूर इस बारे में सोचती भी नहीं। मेरी जान प्लीज ऐसे तो मत रो। मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता लीशा, एक पल भी नहीं। नहीं शायद अब मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकती जो मेरे अपनों को मुझसे दोबारा से दूर कर दे। मेरी बहन रेशम को मुझसे बहुत सहारा है, दादी ताया अबू उनका प्यार उनकी शफकत
के बगैर मैं सिर्फ आपके साथ जिंदगी गुजार नहीं सकूंगी। प्लीज परेशान मत हो, ये हालात, ये वक्त गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। मुझे यकीन है मैं तुम्हारे ताया अबू को मना लूंगा, वो अपने हाथों से तुम्हें रुखसत करेंगे। सच कह रहे हो शायद? वाकई ऐसा हो जाएगा? हाँ अलीशा, तुम्हारे ताया अबू उसी ऑफिस से तो रिटायर हुए जिस ऑफिस में मैं जॉब करता हूँ। मेरी तुम्हारे ताया अबू से कल बहुत अच्छी मुलाकात हुई है और मैंने उनको एक बहुत अच्छी सी चाय भी पिलाई है, और बस यूं समझ लो बहुत मुतासिर हुए हैं वो मेरे से। हेलो अलीशा, हेलो, जरा यहाँ तो आओ। जी भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? वो जो हमारा प्लॉट का मसला चल रहा था ना, हाँ, वो परवरदिगार ने सॉल्व कर दिया। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने, लेकिन ये हुआ कैसे सब? ये सब कुछ शायान ने किया। शायान? कौन शायान? तुमने याद दी, वो जब मैं ऑफिस में था ना तो वहाँ मेरे साथ काम करता था। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला ने आसमान से एक फरिश्ता उतार दिया मेरे लिए। अल्लाह इस बच्चे को खुश रखे और अपने अमान में रखे। आमीन आमीन। अच्छा मैंने उसे कल खाने बुलाया है, इंतजामात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सही है। अच्छा मैं जरा थोड़ा सा वहां पर हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। यकीन जाने खाना इतना लजीज मैंने बहुत अरसे के बाद खाया है, शायद इसीलिए मैं इतना ज्यादा खा गया। अरे बेटा इतना लजीज तो नहीं था जितनी तुम तारीफ कर रहे हो, मगर जितनी तारीफ खलीक तुम्हारी करते हैं ना उसका तो जवाब ही नहीं है। वैसे शायान भाई, ताया अबू बता रहे थे कि शायरी में आपका जौक तो बहुत ही आला है। अरे भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, ऑफिस में चाय पिलाते वक्त क्या आला शेर सुना है इसने, मैं तो हैरान हूँ। बेटा वैसे थोड़ी बहुत दिलचस्पी तो मुझे अब भी है शायरी से, कुछ तुम सुनाओ, बाद में फिर मैं सुनू। वाह दादी, आज शायान भाई की वजह से हमें आपके टैलेंट का भी इल्म हो गया। तो बेटा कुछ सुनाओ। दादी अगर आपकी फरमाइश है तो मैं कुछ शेर सुना देता हूँ। इरशाद इरशाद। वो बज़ाहिर जो कुछ नहीं लगते, वो बज़ाहिर जो कुछ नहीं लगते, उनसे रिश्ते बला के होते। वाह वाह वाह। वो बज़ाहिर जो कुछ नहीं लगते, उनसे रिश्ते बला के होते हैं। वाह वाह बहुत बहुत। वो हमारे हैं इस तरह से फैज, जैसे बंदे खुदा के होते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा शेर सुना शायान भाई, आपने तो महफिल ही लूट ली। बेटा मैं एक बहुत जरूरी बात करने के लिए तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। जी जी अंकल बताइए। बेटा तुमने नोट किया होगा कि अलीशा सब लोगों में से ऐसी उठ के चली गई, असल में एक बहुत बड़ी ट्रेजडी हुई है उसके साथ। जी
कैसी ट्रेजेडी? कभी कभी कुछ लोग आपकी जिंदगी हराम करने के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं। इसी तरह के एक कमीने और जलील शख्स ने अलीशा को वर्ग ला के उससे निकाह कर लिया। बस बेटा, मैं ये चाहता हूं तुम किसी तरह से बीच में पड़ के उस लड़के से हमारी जान छुड़वा, तलाक दिलवा दो हमारी बेटी को। तलाक? मैं? अच्छा बेटा, अगर तुम इस सिलसिले में मेरी मदद नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। नहीं नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बात करता हूँ। वैसे अलीशा का कोई कसूर नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, मैं अलीशा से उसका एड्रेस वगैरह, उसके सारी मालूमात पता करके तुम्हें बताऊंगा। इस किसी तरह मेरी उससे जान छुड़वा दो बेटा, मेरी बेटी को उससे तलाक दिलवा दो। इंशाल्लाह आपका काम जरूर हो जाएगा अंकल। मैंने आज जितनी गालियां खाई हैं ना मजनू ने कभी खाई होंगी, ना फरहाद ने कभी सोची होंगी। और अलीशा, सितम ये कि हर गाली पर हाँ पे हाँ मिला रहा था मैं। काश मैं भी वो सीन देख सकती। पता है शायान, मुझे दूर दूर तक अंधेरा दिखता है। ताया अबू तुमसे जितनी शिद्दत से नफरत करते हैं, अगर उनके सामने तुम्हारी हकीकत खुल गई तो हमारी सारी मोहब्बत धरी की धरी रह जाएगी। अलीशा, अगर जज्बों में सच्चाई हो ना, शिद्दत हो, तो मंजिल खुद सामने आ जाए। मोहब्बत में नामुमकिन भी मुमकिन नजर आता है। अलीशा प्लीज हिम्मत मत हारो, मैंने कहा ना मैं सब ठीक करता हूँ। तुम आज बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज्यादा। मेरा दिल चाह रहा था मैं तुम्हें आंखों में छुपा लूं। ये क्या अलीशा, तुम मेरी होकर भी मेरी नहीं हो, तुम दूर हो। मुझे प्लीज आज मिल लो थोड़ी देर के लिए। आज तो नहीं हो सकता, मगर हाँ कल शायद, कल ताई अम्मी के किसी रिश्तेदार का निकाह है, सब थोड़ी देर के लिए वहां पे जाएंगे। तो ऐन वक्त पे मैं अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके यहाँ पे रुक जाऊंगी। अलीशा तुमने ये बात करके जैसे मुझे तपती धूप से निकालकर ठंडी छांव में खड़ा कर दिया। ठीक है शायान, जैसे ही मैं फोन करूं प्लीज आ जाना। थैंक यू अलीशा, थैंक यू। खुदा हाफिज़, कल मिलते हैं। ऐसी लेटी रहो, बाकी सब मैं संभालूंगी। सच, अगर तुम नहीं होती ना तो मैं तो मर जाती। अलीशा बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ताई अम्मी मैं तैयार हो गई थी, मगर अचानक से मुझे चक्कर आ गया। मुझे लगता है ताई अम्मी मेरी नजर लग गई अलीशा को, अब देखना कितनी प्यारी लग रही है। हम ऐसे करते, इसे ऐसी लेटी रहने देते ना, आराम कर लेगी, और वैसे भी हम थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। अम्मी जान, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, खलीक इंतजार करें, आप तैयार हो जाएं। अच्छा, अच्छा, तैयार। रेशम चलो। जी मैं आ रही हूँ। और अपना ख्याल रखना, रेस्ट करना बिल्कुल। जी ताई अम्मी, मैं बस सोने की कोशिश करती हूँ। आप प्लीज ताई अबू को कह दीजिएगा कि मैं बस रेस्ट कर रही हूँ। आ जाओ रेशम। वैसे बड़ा तैयार हुई अपने पिया से मिलने के लिए। दरवाजा बंद कर देना। हेलो हेलो शायान, आप जल्दी से आ जाओ, सब चले गए।
क्या हो रहा था ये? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कर रहे थे तुम है? क्या समय रखा तुमने? शर्म ना ही तुम्हें सब कुछ करते हुए। तुझसे ज्यादा गिरी हुई लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे कम से कम तलाक हो जाने का इंतजार तो कर लेती। अंकल प्लीज प्लीज अंकल उसे मत कुछ कर, वो बीवी है मेरी, मेरी इज्जत है अंकल प्लीज। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्लीज ताया बू, प्लीज ताया बू प्लीज, आप मुझे जी भर के मारिए। अगर मुझसे मेरी मोहब्बत मची है, अबू के जाने के बाद सिर्फ बाप का एक वाहिद सहारा है अबू के। मैं बेसहारा नहीं होना चाहती। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दे अंकल प्लीज। अपना शरई हक इस्तेमाल करो और इसे लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। खबरदार जो तुमने आइंदा मुझे शक्ल दिखाई, दफा हो जाओ यहाँ से। ताया अबू आप प्लीज इन दोनों को माफ कर दे, अब्बू के बाद आप ही हमारा सहारा है। मैं अपनी बहन के बगैर मर जाऊंगी। अलीशा चलो मेरे साथ। नहीं शायान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन अलीशा प्लीज शायान, मैं अब अपनी गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती। सुन लिया तुमने? चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, और अगर मैंने तुम्हें आइंदा देखा तो कसम खा के कहता हूं मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। प्लीज शायान जाओ यहां से प्लीज। बेटा अचानक आ गए बेटा, तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी। जी दादी, अम्मी ने मुझे फोन पर सारी सिचुएशन बताई थी। और ये अलीशा क्या हाल हो गया? शायान भाई बार बार कॉल कर रहे थे अबू को, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। उनके बड़े भाई भी ऑफिस गए थे, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। वैसे सच है कि बहुत नेक और समझदार लड़का है शायान। खलीक ने उसको इतने बुरी तरीके से मारा लेकिन मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला। पता नहीं खलीक को क्या हो गया था, गुस्से में इतने पागल हो गए थे वो। अलीशा तुम यहाँ क्यों आ गई? मुझे बुला लिया होता, और वैसे भी तुम्हारा बुखार नहीं उतरा अभी तक। रेशम ताई अम्मी के साथ किचन में काम कर रही है, और दादी नमाज पढ़ रही है, और ताया अबू भी नमाज पढ़ने के लिए गए। इससे अच्छा मौका अब मेरे लिए नहीं था, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। हाँ हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। प्लीज आप रेशम को अपना, उसे अपने तहफ्फुज अपनी पनाह में ले प्लीज। अच्छा चलो, अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो क्या तुम ठीक हो जाओगी? मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस होती जा रही हूँ, पता नहीं और कितना जीऊंगी। ईशा मेरे बाद बहुत तनाव महसूस कर रही है। पागल लड़की, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। तुम देखना कि बहुत जल्द शायान आके तुम्हें अपने घर ले जाएगा। और जहां तक रही रेशम की बात, उस सिलसिले में अब्बा जी मुझसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस मंथ के एंड में हमारा निकाह होने वाला है। सच? आज़िर, मैंने आपके साथ जो भी किया प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए।
सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए और बस ये समझेगा कि मैं आपके काबिल नहीं थी। तुम्हें पता है अलीशा, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपने जिंदगी में खुश रहने का फन सीख लिया है तो समझो कि आपने सब कुछ सीख लिया। और मैंने तो इस फन में मास्टर कर लिया। खैर तुम जाओ अंदर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, एंड डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाए। बस कर दे खलीक, वो मासूम बच्ची आपकी इज्जत और खुशियों के खातिर घुट घुट के जी रही है लेकिन मुंह से कुछ नहीं कह रही है। उसकी खुशियों का तो एहसास कर ले, लेकिन आपको तो अपनी अनाजीज है। जिस शख्स की वजह से जरीन की जान चली गई, हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिल गई, मैं उसे किसी हालत में इस घर का हिस्सा नहीं बनने दूंगा, समझ लीजिए आप लोग। क्यों? कल तक तो वो बड़ा शरीफ, आला तालीम याफ्ता और तमीजदार इंसान था, हैं? उसकी सलाहियतों के गुण गाते थे तुम, और आज उसमें इतनी खराबियां हो गई। मैं उस वक्त उसकी हकीकत नहीं जानता था। बहरहाल मैंने खुला के पेपर तैयार करवा लिए और अलीशा को पेपर साइन करने पड़ेंगे। अब आपने अलीशा की मर्जी जानने की कोशिश की? मुझे समझाने की कोशिश मत करो, बेटे हो तो बेटे बन के रहो, बाप मत बनो। खबरदार खलीक, मैं अपनी बच्ची पर जुल्म नहीं होने दूंगी, पर वो बच्चा अब हमारे दिल के करीब महसूस होने लगा है। उसने अलीशा को बहकाया है माँ जी, हमें जलील करके रख दिया है। मैं अलीशा का उससे पीछा छुड़ा के रहूंगा। खबरदार, जो एक गिलास भी मुंह से निकाला। आपने मुझे थप्पड़ मारा माँ जी, इस उम्र में? क्यों, मैं इस उम्र में तुम्हारी मां नहीं रही, तुम मेरे बेटे नहीं रहे। लड़के, मैं वो मां हूं जो इस उम्र में भी अपनी औलाद को रोक सकती है, टोक सकती है। अम्मा, अम्मा आप मुझे जूते मारे मुझे कबूल होगा, बल्कि मेरे लिए बाइस से इज्जत होगा, लेकिन आप जरा ठंडे दिल से सोचें कि ये खबरदार जो अपने बेटों के फैसलों की हिमायत में एक लफ्ज कहा। जाओ, जाके शायान को लेकर आओ ताकि वो नाजिर और रेशम की शादी में शिरकत कर सके। लेकिन वो रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे मां? अरे रिश्तेदारों का तो काम ही बकवास कर रहा है, मुझे उनसे निपटना आता है, तुम परेशान मत हो। मुझे समझ नहीं आ रहा रेशम, दादी की ऐसी कौन सी दोस्त आ गई जिसकी पोती की शादी और इतना तैयार होकर जाना पड़ रहा है? असल में तुम्हारी शक्ल इतने दिनों से उजड़ी उजड़ी थी ना, इसलिए मुझे भी डिप्रेशन हो रही थी। और अपनी प्यार करने वाली दादी को खुश करना कोई बुरी बात तो नहीं है। मेरे उजड़े रूप को पल दो पल के लिए संवार के उनको क्या खुशी मिलेगी? जाहिर है कुछ तो खुशी मिल रही होगी, तभी मेरे बजाय तुम्हें लेकर जा रहे हैं। अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाओ, ड्राइंग रूम में आ जाना। ड्राइंग रूम में? वो उनके कुछ मेहमान आए हुए ना, तो उन्हीं के साथ जाना है। ठीक है तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। चलिए दादी भी। अब उसमें रास्ता नहीं है ना था। नहीं बेटा, तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, प्यारी बेटियों से भी कोई नाराज होता है?
इश्क में आखिर हम दोनों मिल ही गए। इश्क में अगर सच्चाई हो ना तो वो प्यार करने वाले मिल ही जाते। इश्क में इश्क में